हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। टुडे वी विल स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मीन्स व्हाट? दिस इज़ एक्चुअली एरिया ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न्ड विद रिएक्शन रेट एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बाय विच द रिएक्शन अकर्स इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। सिंपल सी भाषा में बताते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाई कि अगर रिएक्शन होगी तो वो कितनी देर में होगी। अब रिएक्शन कितनी देर में होगी, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स हाउ फास्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड मैकेनिज्म। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब देगी, कौन कौन से के रिएक्शन कितनी देर में होगी और कैसे कैसे होगी, मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इन दो क्वेश्चंस का जवाब कौन देगा? केमिकल काइनेटिक्स देगी। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट को आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ फास्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, बट जनरली हमारे डेली लाइफ में रिएक्शन तीन तरीके की देखने को मिलती है। पहली, विच इज़ वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब हो गया कि जैसे ही आप रिएक्टेंट को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लेके आओगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिएक्शन कहाँ ऑब्जर्व करने को आते हैं? आयनिक स्पीशीज में, एंड आर नोन एज आयनिक रिएक्शंस। दिस रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन अबाउट 10^-14 टू 10^-16 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम वो लगाती है। इतना टाइम लगाने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये देखो कि एक सेकेंड से भी कम टाइम लगा रही है वो। ठीक है, अब ऐसे ऐसे रिएक्शन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है कि जैसे AgNO3+NaCl है, क्या देगा? NaNO3 और AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, BaCl2 और H2SO4, BaSO4+2HCl। ये तीनों ही कैसे रिएक्शंस हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में रिएक्शन फास्ट क्यों होती है? देखें कि भाई रिएक्शन जब होती है, रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनेंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जैसे ही किसी आयनिक कंपाउंड को आप वाटर के अंदर डालोगे या सॉल्वेंट के अंदर डालोगे तो वो तो टूट जाएगा, ऑलरेडी टूटा हुआ होगा, आयंस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर वो जो बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगना था वो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आयंस हैं। जैसे ही दो सॉल्यूशंस आपने लिए, दोनों में आयंस थे, आप मिक्स करोगे तो बॉन्ड टूटने जितना टाइम नहीं लगेगा, और एज अ रिएक्शन क्या हो जाएगी, एज अ रिजल्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सेकेंड रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शंस हैं, हो सकता है जिनको महीनों लग जाएं कंप्लीट होने में। ठीक है, या महीनों बाद ये एक ऐसी स्टेज पर पहुँचेगी जहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ भाई कुछ हुआ है। ठीक है, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिथेनॉल। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर महीनों लग जाते हैं इस रिएक्शन में। C+O2 दैट गिव्स यू CO2 एट रूम टेम्परेचर, महीनों लगेंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं वो कैसी है? वो बहुत ही स्लो रिएक्शंस है। थर्ड देखते हैं, थर्ड रिएक्शन हमारे पास आ जाती है वो रिएक्शन जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना बहुत ज़्यादा स्लो है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शन, विच आर नाइदर टू फास्ट नोर टू स्लो। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड ईजिली। कि भाई देखो, अगर रिएक्शन बहुत फास्ट है तो उसको पकड़ पाना मुश्किल है, रिएक्शन बहुत स्लो है तो भी उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, कि जब तक हम उस चेंज को ऑब्जर्व कर पाएंगे रिएक्शन काफ़ी कुछ हो चुकी होगी। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, हर रोज किसी पीस ऑफ आयरन पे रस्ट होती है, लेकिन महीनों बाद जाके आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ रस्टिंग स्टार्ट हो गई। कि रस्टिंग तो हर रोज़ हुई, ऐसा तो नहीं कि जिस दिन आपने ऑब्जर्व किया उससे एक रात पहले रस्टिंग हुई थी, महीनों लगे, लेकिन उसको ऑब्जर्वेबल पोजीशन तक पहुंचने में इतना सारा टाइम लग जाता है। यानी कि जब रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो भी हम उसको जो है रेट को स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है
तब भी हम उसकी रेट को स्टडी नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई वो क्या हो गई, वो हमारे पास हो गई मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, मीन्स जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। एक बात ध्यान रखते हैं कि हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर कि भाई वो फास्ट है या स्लो है या फिर मॉडरेट है। अब दिमाग में क्वेश्चन लगाओ कि क्या किसी फास्ट रिएक्शन को स्लो रिएक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है? आंसर इज़ येस। जैसे अगर आपके पास कोई एप्पल का पीस है, आप उसको कट करके एयर में छोड़ दो, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसी एप्पल को आप ठंडी जगह पर रख दो, बर्फ़ के अंदर रख दो, तो वहाँ पर रस्टिंग क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। यानी कि फूड का डिके करने का प्रोसेस हमने क्या कर दिया? स्लो डाउन कर दिया। ऐसे ही क्या किसी रिएक्शन की रेट को फास्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? बाय मेंटेनिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप क्लास 10th से ही पढ़ते आते हैं। कैटलिस्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ़ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ़ रिएक्शन को फास्ट करना है तो एक सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसमें क्या बनाओ? कैटलिस्ट यूज़ करो। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब एक बेसिक क्वेश्चन की तरफ। व्हाई शुड वन स्टडी द केमिकल काइनेटिक्स? कि हमें स्टडी ही क्यों करना है? देखें, हमने डेफिनेशन में पहले ही कहा कि केमिकल काइनेटिक्स हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब देती है। पहला कि कोई रिएक्शन कितनी देर में हो रही है, और दूसरा कैसे हो रही है। यानी कि केमिकल काइनेटिक हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ऐसे ही इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। कि भाई अगर टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर 25 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। टेम्परेचर अगर मैं 25 से 26 कर दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पर ये फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक तो रेट के बारे में बात करेगा, दूसरा बात करेगा किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में। फिर से आ जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या एंड व्हाट आर इट्स टू डिफरेंट टाइप्स। कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट, हाउ स्लो और फास्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, कितनी तेज़ी से या कितने धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको मेज़र करने का, क्योंकि आप कह रहे हैं हाउ फास्ट और हाउ स्लो, इसका मतलब है आप चीज़ों को किससे कंपेयर कर रहे हैं? टाइम से। कि भाई देखो, अगर कम टाइम में रिएक्शन ख़त्म हुई तो हम रिएक्शन को कहेंगे कि फास्ट रिएक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद रिएक्शन ख़त्म होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये कैसे रिएक्शन है? स्लो रिएक्शन है। यानी कि जब भी मैं रेट टर्म का यूज़ करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक और फैक्टर होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र करना है तो मैं उसको कैसे करूँगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकल फार्मूला अगर आपको निकालना है तो देखो क्या होगा कि हम क्या करते हैं, रिएक्शन को जब स्टार्ट करते हैं तो आपके पास रिएक्टेंट का एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। आपको पता होता है कि रिएक्टेंट आपके पास कितना है। उस अमाउंट को हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? मोलर कंसंट्रेशन में, मतलब मोलैरिटी में। लेकिन जब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। जब धीरे धीरे वो कम होगा तो इसका मतलब है कि मैंने 5 मिनट, जब टाइम ज़ीरो था तो देखा कि रिएक्टेंट इतना है, उसके बाद टाइम शुरू कर दिया कि 5 मिनट के बाद के रिएक्टेंट क्या अमाउंट घट के इतना हो गया, 10 मिनट के बाद इतना हो गया, 15 मिनट के बाद इतना हो गया। तो वहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, दिस इज़ कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, के 5वें मिनट में, ध्यान से सुनना, 5th मिनट में क्या रेट है वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन 5 मिनट्स के अंदर कितना होगा वो होगा एवरेज रेट। अगर मैं पर्टिकुलर 5th मिनट कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा हूँ, तो वो क्या है? इंस्टेंटेनियस। एवरेज क्या है कि ओवर द इंटरवल ऑफ द टाइम, के 5 मिनट के ड्यूरेशन में या 10 मिनट के, क्या टाइम 10:10 पे आपने रिएक्शन शुरू करी और 10:30 पे आपने
रिएक्शन को ख़त्म कर दिया। तो इंटरवल क्या हुआ, 20 मिनट का हुआ। तो ये जो 20 मिनट में एवरेज निकल के आएगा वो क्या कहेगा, एवरेज रेट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 18वें मिनट पे रेट क्या थी तो वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। 17th मिनट पे रेट क्या थी वो क्या हो जाएगी, उसकी इंस्टेंटेनियस रेट। यानी कि रेट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, पहला एवरेज रेट, ठीक है। तो एवरेज रेट को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। एवरेज रेट या रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द इट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। यहाँ पर मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि हम क्या लेके चलेंगे, एक इंटरवल लेके चलेंगे। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर होगा, यानी कि यहाँ पर जो टाइम होगा वो बहुत कम होगा, या वो टाइम का जो इंटरवल है वो बहुत कम होने वाला है, कि मतलब कुछ सेकंड का भी हो सकता है या एक मिनट का भी हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से एवरेज रेट को देखो, जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट को निकालने का बड़ा सीधा सा तरीका है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि हम निकाल रहे हैं रेट, रेट को निकालने का तरीका है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। मैंने कहा कि टाइम क्या था, टी वन, एट टी वन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आर वन। कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, कंसंट्रेशन को किससे शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। अगर टाइम चेंज होके हो गया टी टू, तो सीधी सी बात है कि अगर आपने आर वन से स्टार्ट किया है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, आर टू आ जाएगा। तो जो एवरेज रेट होगा, एवरेज रेट, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे कि कंसंट्रेशन होगा आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, ठीक है। अब इसके बाहर हम साइन क्या पुट कर देते हैं, माइनस का। यहाँ माइनस का साइन क्या इंडिकेट करेगा, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर इस फैक्टर को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे, लेकिन जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट लिखेंगे हमेशा उसका साइन क्या होगा, माइनस का। लेकिन रिएक्टेंट ही किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में, यानी कि अगर रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है तो ऐट द सेम टाइम प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। यानी कि रेट को मैं सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकता, मैं उसको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। यानी कि व्हेन टाइम इज़ टी वन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने मान लिया पी वन, और टाइम टी टू पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वॉज पी टू, तो एवरेज रेट, एवरेज रेट विल बी इक्वल टू पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। तो एक सीधी सीधी सी बात देखो कि रिएक्टेंट तो कंज्यूम हुए, वो तो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। कम होते जाने का मतलब है कि वहाँ से रेट क्या होता रहेगा, स्लो होता रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट का अमाउंट क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसके बाहर हम साइन क्या लगा देते हैं, प्लस का, कि एवरेज रेट फॉर द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कि जब भी आप रेट को रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, और अगर आप जो है प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा, अमाउंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, पी टू का अमाउंट बढ़ रहा है, और आर टू का अमाउंट कम होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट ही किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कि आप एक रिएक्शन ले रहे हैं, ए से बी जाएंगे, तो इसमें या तो कहें आप डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम टेकन, या फिर आप कह सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब यहाँ पर कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी की भाषा में कहना है, और क्योंकि आप चेंज की बात कह रहे हो तो चेंज में क्या आता है, डेल्टा, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं ना, डेल्टा क्या आता है, चेंज आता है। तो डेल्टा ए, यहाँ पे साइन क्या रखा हुआ है, माइनस का, ठीक है, और प्रोडक्ट क्योंकि बी प्रोडक्ट है तो वहाँ पर साइन क्या रखा है, प्लस का रखा है। अब इसमें यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन इन द रेट एक्सप्रेशन। जैसे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एज ए इज़ रिएक्टेंट सो द पासेज
So with the passage of the time, the molar concentration of A will decrease with the time. So we put minus sign in the rate expression. And B being product, the concentration of B will increase. So we put a positive sign there. ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या शो करता है? प्लस और माइनस कुछ नहीं, वो ये शो करता है कि रेट बढ़ेगी या रेट कम हो जाएगी. रिएक्टेंट में हमेशा रेट क्या करती है? माइनस में आती है. और प्रोडक्ट में रेट हमेशा क्या आती है? प्लस में आती है. ठीक है, चलिए एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन हमने ली कि ए से बी में कन्वर्ट हुए. तो यहाँ पर देखें कि कंजप्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी. यानी कि जिस स्पीड से ए कंज्यूम होगा उसी स्पीड से बी क्या बनेगा? बी बनेगा. जिस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होते जाएंगे उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेंगे. क्यों बनेंगे? कि भाई रिएक्टेंट ही तो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर. ठीक है, सो वी कैन से माइनस डेल ए बाई डेल टी विल बी इक्वल टू प्लस डेल बी बाई डेल टी. और जो अभी हम फार्मूला कह रहे थे कि कंसनट्रेशन एट टाइम टी टू माइनस कंसनट्रेशन एट टाइम टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन. ऐसी कंसनट्रेशन ऑफ बी एट टी टू कंसनट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन. तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है. ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से समझें, इट्स क्वाइट ईजी ग्राफ. कैसे है? देखें कि हमारे पास ये जो कर्व है वो रिएक्टेंट की है. यहाँ पर हमने क्या लिया? मोलर कंसनट्रेशन. यहाँ पर हमने क्या लिया? टाइम लिया. यानी कि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या करता है? कम करता है. रिएक्टेंट का अमाउंट क्या करेगा? कम करेगा. क्यों रिएक्टेंट का अमाउंट कम करेगा? क्योंकि ये रिएक्टेंट ही तो हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा तो प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, जबकि रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा? कम होगा. यानी कि ये कर्व जो है रिएक्टेंट के लिए क्या आ जाएगी? माइनस स्लोप, नेगेटिव स्लोप के साथ होगी. जबकि प्रोडक्ट के लिए यही कर्व क्या होगी? पॉजिटिव स्लोप के साथ होगी. प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव स्लोप के साथ होगी कि भाई प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है. तो मैंने टाइम लिया टी वन, यहाँ पर टाइम लिया टी टू. हमने क्या किया? इसको आगे ड्रॉ किया. तो जो जहाँ पर ये रिएक्टेंट एक्सिस पे काटेगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कंसनट्रेशन होगी वो होगी ए एट टाइम टी वन. लेट से दिस इज टाइम टी टू. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि रिएक्टेंट पे ये यहाँ कट करती है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं कंसनट्रेशन टर्म पे आऊँ तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर ए टी टू. यानी कि एवरेज रेट हम निकाल सकते हैं कैसे? ए टी टू माइनस ए टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन. बिल्कुल सेम तरीके से क्या करना है? बी वन को करना है. ठीक है, अगर मान लेते एक जनरल सी इक्वेशन है आपके पास. क्या है आपके पास? एक जनरल इक्वेशन है. और जनरल इक्वेशन इज एन वन ए प्लस एन टू बी गिविंग यू एम वन सी प्लस एम टू डी. तो यहाँ से रेट जो होगा आप या तो ये ऑब्जर्व करें कि ए का कितना अमाउंट कम हो रहा है, या आप ये ऑब्जर्व करें कि बी का कितना अमाउंट कम हो रहा है. मैं क्योंकि यहाँ पर कम हो रहा है वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि ए एंड बी बोथ आर रिएक्टेंट. या तो देख लो कि ए कितना कम हुआ या देख लो कि बी कितना कम हुआ, हमारे लिए बात बराबर पड़ेगी. ठीक है, अब इसमें रेट हमेशा क्या होगा? माइनस वन अपॉन एन वन. माइनस का साइन तो समझ आता है. ठीक है, लेकिन ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये हमेशा क्या है? वन अपॉन एन वन है. जैसे यहाँ क्या है? एन टू है तो ये वन अपॉन एन टू. यहाँ पर एम वन है तो सी के लिए क्या आ जाएगा? वन अपॉन एम वन. और ये डी के लिए क्या आ जाएगा? वन अपॉन एम टू. ठीक है, देखो मैं अगर एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लूँ. ठीक है, इफ़ आई टेक एन एग्जांपल के एच टू प्लस आई टू दैट गिव्स मी टू एच आई. और यहाँ से कोई मुझे कहे कि रेट निकालो भाई, तो रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच टू बाई डेल्टा टी. माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस क्यों? क्योंकि कंसनट्रेशन क्या होगी? कम होगी. ऐसे माइनस डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा टी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कंसनट्रेशन क्या होगी? कम होगी. इज इक्वल टू वन बाई टू डेल्टा एच आई बाई डेल्टा टी. वन अपॉन टू के जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है? टू है. तो ये जो टू है ये कहाँ आ जाएगा? वन अपॉन में आ जाएगा. फिर से समझते हैं वो क्या है. वो है हमारे पास, हमने एक और एग्जांपल लिया एन टू प्लस थ्री एच टू दैट गिव्स मी टू एन एच थ्री. अगर यहाँ से रेट निकालना हो
यहाँ से क्या निकालना हो, मुझे रेट निकालना हो, तो रेट को मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा एन टू बाई डेल्टा टी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ कॉफिशेंट क्या है 3, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 1/3, और वो भी माइनस में। माइनस क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ऐसे ही अमोनिया के केस में क्या आ जाएगा, 1/2 डेल्टा एन एच थ्री बाय डेल्टा टी। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिवाइड में क्यों आया, तो देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं उसकी यूनिट निकालूं तो उसने क्या था, उसने कहा था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया, मोल पर लीटर, यानी कि ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये यूनिट आनी चाहिए किसकी, रेट की, मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 1 मोल। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कितने मोल हैं, 1, जबकि यहाँ पर कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। यानी कि आपके लिए अगर मैं रेट देता हूँ, अगर मैं रेट को एक्सप्रेस करता हूँ इन द टर्म ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2, मैंने आपको रेट दे दी, एक्चुअल में वो रेट तो कितने के लिए थी, 3 मोल के लिए थी। अगर आपको वहाँ पर एक्चुअल रेट निकालनी है फॉर 1 मोल, क्योंकि यूनिट क्या आती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि 1 मोल के लिए, अगर 1 मोल के लिए करना है तो आपको उस आंसर को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से समझते हैं कि हमने कहा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्स। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो रेट निकालो, देखो ये आया है एक्स, जबकि ये कितने मोल के लिए आया है, इक्वेशन सजेस्ट करती है कि ये कितने मोल के लिए आया है, फॉर टू मोल्स। कहाँ से पता चला, स्टोइचोमेट्री से, यानी कि जो एक्स आंसर आया ये कितने के लिए है, 2 मोल के लिए, और अगर 1 मोल के लिए करना है तो आपको इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट, हम लोग रेट की यूनिट को सेम रखने के चक्कर में जो स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशेंट होगा हमेशा उसको क्या लिखेंगे, 1/2 में। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं। देखो कि इंस्टेंटेनियस रेट में सिर्फ इतना सा फ़र्क होगा कि जहाँ हमने डेल्टा यूज़ किया है, देखो अगर आप कंपेयर करके चलेंगे कि हमारे पास ये रिएक्शन रही, ठीक है ना, आई होप थोड़ा सा मैं इसको, ये इक्वेशंस है मेरे पास, ये इक्वेशन थी N1A, N2B, M1C प्लस M2D, यहाँ भी क्या बनेगी M1C प्लस M2D, यहाँ रेट क्या निकले थे, प्लस 1/M1 डेल्टा C बाय डेल्टा T, यहाँ पर भी क्या निकले है, 1/M1 डेल्टा C बाय डेल्टा T। ठीक है, सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या है, फ़र्क है कि यहाँ आपको क्या दिखेगा, डेल्टा, और यहाँ आपको क्या दिखने वाला है, डी। तो डेल्टा और डी में क्या फ़र्क होता है कि डेल्टा जो होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए होता है, तो जो चेंज आएगा उसका आंसर भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। जब चेंज का आंसर बड़ा आएगा तो हम उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, जबकि डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज को हम लोग किस से लिखते हैं, डी से, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट में बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, तो जो चेंज आएगा वो भी क्या आएगा, कम आएगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी हो, तो इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने का तरीका थोड़ा सा अजीब सा है। देखें वो क्या होता है, वो होता है कि भाई देखो आपने क्या ली, एक एक्सिस पे कंसंट्रेशन ली, दूसरे एक्सिस पे टाइम लिया, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ली, ठीक है, या प्रोडक्ट की नहीं, इसमें रिएक्टेंट की ही लेते हैं, कि ये क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब ये डिक्रीज़ करेगा तो हमने एक टाइम लिया टी, कि इस इंटरवल पे निकाल लेना, ये लिया टाइम टी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस कर्व तक मिलाएंगे, कर्व पे जिस पॉइंट पे ये टच करेगी वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उसको क्या कर दो, बड़ा कर दो, वो कंसंट्रेशन एक्सिस को भी कट करे और वो टाइम एक्सिस को भी कट करे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये आ गया टाइम, ये क्या आ गया, डेल्टा टी, और यहाँ से यहाँ तक जो आ गया वो क्या आ गया, डेल्टा एक्स, और यहाँ जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन कैन बी कैलकुलेटेड एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू
माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये क्या आ गई कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अगर इंटरवल छोटा है तो ये जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, स्लोप तो वैसे नेगेटिव ही आएगा, बस अगर टाइम इंटरवल कम है तो हम यहाँ डेल्टा की बजाय क्या लिख देंगे डी एक्स बाई डी टी। प्रोडक्ट के केस में भी ऐसा ही करना है कि वहाँ पर कर्व क्या आएगी, पॉजिटिव स्लोप लिए हुए होगी, आपने टाइम देखा जिस पे आपको निकालनी थी, ड्रॉ करो एक टेंजेंट, टेंजेंट से क्या बनेगी एक ट्राइंगल बनेगी, ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा डेल्टा टी, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन या डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। एक बात मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बड़ी आसानी से, और वो ये कि आपके पास जो एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट जो निकालने का तरीका हम देख रहे हैं, ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आता। मैं बड़ी साफ सुथरे शब्दों में कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन आपको फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि यूनिट्स क्या हैं। अभी हमने कहा था कि यूनिट आर मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड की बजाय मैं उसको मिनट में भी कर सकता था, सेकेंड की बजाय मैं उसको आर्स में भी कर सकता था, और सेकेंड मिनट या आर की बजाय मैं उसको नंबर ऑफ डेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन मोल पर लीटर। अब ऑन द बेसिस के टाइम को आपने कैसे मेजर किया है, आप उसको सेकेंड भी लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं, और आप उसको डेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आपको मज़ा आया होगा। टॉपिक इज़ वेरी वेरी इजी, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, और लेट्स होप कि ये आपको 100% समझ आए, पहले अटैम्प्ट में ही समझ आए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, और तब तक के लिए गुड बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।